तो सोचिए कि आप कहीं पे ऐसी जगह पे एक्सप्लोर करने जा रहे हो, बचपन से आपका एक ऐसा शौक हो कि आप गुफा के अंदर से निकलो और उधर बाहर निकलो। तो वैसे ही एक बहुत फेमस केवर थे जिनका नाम था जॉन एडवर्ड, पर उनके साथ एक बार कुछ ऐसा हुआ कि आज तक वो अपनी उस फाइनल केव की वजह से फेमस हो चुके हैं, पर वो रीजन बहुत ज्यादा खतरनाक था। तो ये जो फोटो आपको दिख रही है ये है जॉन एडवर्ड की। ये फोटो उस समय से पहले की है जब उनके साथ एक ऐसी चीज होने वाली थी जो उन्होंने कभी भी नहीं सोची थी। नवंबर 24, 2009, नटी पटी केव नाम से एक बहुत फेमस केव थी यूटा में। तो वहीं पे हर एक्सप्लोरर की तरह जॉन एडवर्ड भी उस केव को एक्सप्लोर करने गए थे, पर गलती से वो केव का जो हिस्सा था जिसको वो द बर्थ कैनाल भी बोलते हैं उसको मिस करके एक गलत टर्न ले लेते हैं। तो होता यह है कि द बर्थ कैनाल को वो मिस करके आगे बढ़ जाते हैं गलत टर्न लेके, और उसके बाद 50 फीट के अंदर वो अपसाइड डाउन पोजीशन में, मतलब उनके पैर ऊपर और सर नीचे केव में फंसा रह जाता है। 72 घंटे लगते हैं उनको सेव करने के, रेस्क्यू करने के, पर वो रेस्क्यू नहीं हो पाते हैं। तो बाद में पता चलता है कि उनकी जो डेथ थी वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी, क्योंकि अपसाइड डाउन होने की वजह से उनकी बॉडी पे इतना ज्यादा स्ट्रेन पड़ा कि उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया, और आज की डेट तक भी उनका जो शरीर है वो उस केव के अंदर है। उसके बाद से इस नटी पटी केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अगर आप इंडिया में है या कहीं पे भी है तो आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि एक कल्ट को बनाते हैं, एक कल्ट फॉलो करते हैं। हर धर्म के ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो अपना कल्ट बना के चल रहे होते हैं, और उनके बहुत ज्यादा ब्लाइंड फॉलोअर्स भी होते हैं। तो वैसे ही एक कल्ट था द पीपल्स टेम्पल करके, और उस कल्ट का फाउंडर था जिम जोन्स। और जिम जोन्स एक ऐसा आदमी था जिसने 900 से ज्यादा लोगों को ने ब्रेन वॉश करने के तरीके से उनको इतना टॉर्चर किया, उस गांव वालों को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का उनको बातें बता के, उनको चीजें पढ़ा के, बाइबल्स के ज्ञान दे के और उल्टी सीधी चीजें बता के उनका ब्रेन वॉश किया, और जो उनके ब्रेन वॉश में नहीं आते थे उनको इतना टॉर्चर करता था कि अगर तुम डायरेक्टली नहीं मानोगे तो हम तुम्हें पेन दे के तुम्हारे ब्रेन को चेंज कर देंगे। और उसकी वजह से 900 से ज्यादा लोग जो उसको फॉलो करते थे, उसके साथ उस जोन्स टाउन में रहते थे, उन्होंने एक साथ अपनी जान कुर्बान कर दी। तो सोचिए एक कल्ट को फॉलो करते करते 900 से ज्यादा लोग एक ढोंगी बाबा के वश में आके एक साथ अपनी जान त्याग दें। हिरोशिमा नागासाकी के बारे में तो हम सबको पता है कि वहां पे यूएसए ने वॉर के समय पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे, और उसकी वजह से आज भी वहां पे रेडियो एक्टिव वेव्स हैं, और उसकी वजह से कई कई फैमिलीज में आज भी लोग कैंसर होता है, और बहुत सारे लोग का मतलब बर्थ ही नहीं हो पाता, या होता है तो उनकी बॉडी अब नॉर्मल रहती है। तो वैसे ही 1954 में यूएसए आर्मी ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट स्टार्ट करे थे, और उन्होंने उसको कासल ब्रावो नाम दिया था, और ये सब वो मार्शल आइलैंड के पास कर रहे थे, पर उनके एंटिसिपेशन से ज्यादा हानिकारक निकले थे ये टेस्ट। और इस टेस्ट की वजह से वहां के रहने वाले कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इवन ये फोटो देख के आपको पता चल जाएगा कि रेडिएशन की वजह से उनकी स्किन डीपली बर्न हो गई थी, यहाँ तक कि वहां पे जो एनिमल्स थे वो भी अभी म्यूटेटेड हैं। कई सारे लोगों को कैंसर है आज के टाइम पे भी, या फिर कई सारे लोग कंसीव ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि कई सारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये गलती से हुआ था, कि उनको पता नहीं था कि वो टेस्ट इतना खतरनाक हो जाएगा। पर कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये भी कहते हैं कि यूएसए ने ये जानबूझ के किया था ताकि वो स्टडी कर सकें कि जो रेडियो एक्टिव वेव है उस समय पे वो ह्यूमंस के ऊपर, उसके एनवायरमेंट के ऊपर क्या असर दिखाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये यूएसए ने टेस्ट किया था जानबूझ के, या फिर ये सच में एक बहुत बड़ी गलती थी? फरवरी 19, 2013, सेसिल होटल, जो कि शायद आपने कभी ना कभी, अगर आप यूट्यूब पे और ऐसी डार्क स्टोरीज फॉलो करते हो तो आपने उसका नाम जरूर सुना होगा। तो उसका एक बहुत फेमस केस है जिसकी आज तक पड़ताल नहीं हो पाई है कि वहां पे जो डेथ हुई वो किस वजह से हुई, किसी ने मर्डर किया था या फिर सुसाइड थी या फिर कोई और हादसा था। तो उसी में से एक थी एलिसा लैम्प की लास्ट फोटो। तो आप जो लिफ्ट में देख रहे हो ये है एलिसा लैम्प, और ये उनके मरने से कुछ समय पहले की है। तो होता क्या है कि एक दिन सेसिल होटल के जो लोग रहने वाले होते हैं टूरिस्ट, वो कंप्लेन करते हैं रिसेप्शन पे आके कि पानी का जो फ्लो है वो बहुत धीरे हो जाता है। तो जो रिसेप्शन से गार्ड जाता है पानी की टंकी चेक करने को, और उस पानी के अंदर उनको एलिसा लैम्प की बॉडी मिलती है, और आज तक कोई पता नहीं लगा पाया उनकी डेथ की वजह।
कुछ लोग ये कहते थे कि उन्होंने ड्रग्स ले रखे थे या फिर इंटॉक्सिकेंट के नशे में थी, बट उनकी बॉडी से कोई भी इंटॉक्सिकेंट नहीं मिला था, ना उनकी बॉडी पे कोई ऐसा निशान था। और वो सुसाइड क्यों करेंगी? वो घूमने आई हैं। और आपको मैं बता दूं कि सेसिल होटल में ऐसे 16 से भी ज्यादा डेथ, सुसाइड और इन सब के मामले हैं, और फाइनली वो होटल शायद बंद कर दिया गया है। अब चलते हैं अपने फिफ्थ और लास्ट फोटो की तरफ। सीरियल किलर्स क्या होते हैं? जो कि किसी को इस वजह से मारते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है, या फिर वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसा कि आपने इंडिया के अंदर भी काफी सीरियल किलर्स देखे होंगे, वैसे ही ये फोटो आपको याद दिलाएगी कि आप यूं ही किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए आपको। 1990 में 18 साल की रजीना के वॉल्टर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है घर छोड़ के, और वो हिच हाइकिंग करते हुए कहीं और जा रही होती हैं टेक्सास की तरफ। तभी वहां पे उनको एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मिलती है, पर उनको नहीं पता था जिसने उनको लिफ्ट दी उसका नाम होता है रॉबर्ट बैन रोड्स। और रॉबर्ट बैन रोड एक सीरियल किलर था जिसको ट्रक किलर के नाम से भी जाना जाता था। तो उसने रजीना थी उनके बॉयफ्रेंड को तो पहले ही मार दिया था, और उसका मानना था कि अगर तुम्हें मेल मिले तो उसको तुरंत मार दो, और जो फीमेल मिले उसको पहले तड़पाओ और उसके बाद उसको मारो। तो वो क्या करता है, वो रीजना को अबडक्ट कर देता है, अपने पास रखता है, और फाइनली उनको मारने से पहले टेक्सास में एक फार्म हाउस पे ले जाता है। वहां पे उनके बॉडी को शेव करता है, उनके जेनिटल्स को शेव करता है, और उसके बाद उनको बैडली टॉर्चर करता है। पर उससे पहले उसकी एक आदत थी कि वो फोटो खींचता है अपने विक्टिम की, मतलब रजीना की एक ऐसी फोटो खींचते हैं जिसमें आपको साफ दिख जाएगा कि वो कैसे डरी हुई है और कैसे वो उसको अपने आप को बचाना चाह रही थी। तो उनकी ये फोटो उन्हें रॉबर्ट के घर से मिलती है, और इसके बाद टेक्सास में जो रजीना है उनकी डेथ बॉडी बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डिकम्पोज मिलती है। और बताया जाता है कि उनको मारने से पहले जो ये ट्रक ड्राइवर किलर है रॉबर्ट बेन रोड्स, इसने उनके साथ बहुत ज्यादा गलत गलत चीजें करी थी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसे बाहर जा रहे हो चेकिंग करना चाहते हो तो संभल के रहना कि आप किसके लिफ्ट ले रहे हो या फिर आप किससे लिफ्ट दे रहे हो। थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देखिए। अगर आपको ये सीरीज और आगे कंटिन्यू करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि मैं कंटिन्यू करूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और कमेंट में बताओ। तो हम ऐसे ही वीडियोस लाते हैं जिसमें हम ट्रू क्राइम से रिलेटेड वीडियोस, डार्क वेब से रिलेटेड वीडियोस, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और ऐसी नई सीरीज एड ऑन करते जाएंगे। तो स्टे सेफ, बी हैप्पी, जय हिंद, जय भारत।